दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मेथी का पराठा। मेथी का पराठा बनाने के लिए हमने हरे लहसुन की पत्ती तोड़ ली है और हम एक चटनी का पेस्ट तैयार बनाएंगे। तो लहसुन का पत्ता और मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के एक चटनी तैयार करेंगे। दोस्तों इसे हम आराम से सील पट्टे पर पीस लेंगे और चटनी डाल के बनाने से मेथी का पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने खुद का पेड़ से गोल वाला मिर्चा तोड़ रखा है। हमारी चटनी पीस के तैयार हो चुकी है, अब इसे हम कटोरे में निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने मेथी को बारीक बारीक काट लिया था, अब इसे हम साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। हमने इसे काटने से पहले भी धोया था और काटने के बाद भी हम इसे खूब अच्छे से धो के निकाल लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा मेथी थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा था, तो हम इसको थोड़ा और छोटा छोटा करके काटेंगे ताकि ये आटे में जब हम इसे सानें तो ये काफ़ी अच्छा से उसमें मिल जाए। देखिए काफ़ी बारीक हो चुका है, जहाँ पर बड़ा बड़ा है हम इसको और भी छोटा कर देंगे। दोस्तों अब इसके अंदर हम आटे को चाल लेंगे। आटा लेकर फिर इसे हमारा आराम से गूंदेंगे। यहाँ पर हमने आटा पूरा ले लिया है, अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था चटनी जो, वो इसके अंदर डालेंगे और थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें नमक भी डाल देंगे हम लोग स्वादानुसार, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी एक चम्मच के करीब, और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा डाल देने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब इसको हम आराम आराम से रोटी को सान लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डालेंगे ताकि वो आराम से सन जाए आटा हमारा पूरा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा देर सानने में, सानने के बाद 4-5 मिनट सानने के बाद हमारा आटा इस तरह से हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे, फिर हमारा आटा तैयार हो जाएगा। आटा हमारा देखिए सन के तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हमने चूल्हा जला लिया है और चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है, और अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे। इसी तेल को हम दोस्तों पराठे के ऊपर लगाएंगे। अब हम पराठे को बेल लेते हैं। दोस्तों नॉर्मल जैसे हम लोग रोटी को बेलते हैं, वैसे ही हमें पराठे को भी बेलना है। अब इसको दोस्तों हम लोग एक तरफ से सेक के फिर तेल लगाकर इसे अच्छे से सेक लेंगे, और ये दोस्तों नाश्ते में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए हमारा एक पराठा बन के तैयार हो चुका है, अब इस पर हम तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इसे पलट के हम दूसरी साइड से भी तेल लगाएंगे। दोस्तों इसे एक बार और पलट के हम लोग इसे उतार देंगे, क्योंकि अब हमारा पराठा हो चुका है। और ये पराठा दोस्तों गरम गरम चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरीके से और भी जितने पराठे हैं हम सबको बना लेंगे। और पराठा बनाने के बाद दोस्तों हम चाय बनाएंगे, क्योंकि ये पराठा चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको हम सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चाय के साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे गांव में लोग चाय के साथ इस पराठे को बहुत ही अच्छे से खाते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों हमारा एक और पराठा बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों
दोस्तों पराठा बन चुका है तो हमने तवा उतार दिया है और अब इसके ऊपर हम एक पतीली रखेंगे क्योंकि अपन चाय बनाएंगे। और दोस्तों आग पर बनाया हुआ चाय बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्वादिष्ट होता है। गैस पे तो आपने बहुत बार चाय पी होगी लेकिन चूल्हे की चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाय पत्ती और इसके अंदर हमने अदरक डाला है, तुलसी का पत्ता डाला है और अब चाय पत्ती डाल दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे दोस्तों। पूरा उबाल आ चुका था तो अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। थोड़ी देर के अंदर इसमें उबाल आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें उबाल आ चुका है अच्छी तरीके से और ये बहुत ही अच्छा महक रहा है। दोस्तों चूल्हे पे जो चाय बनती है उसकी महक ही बहुत मस्त आती है और तुलसी का पत्ता डालने से चाय और भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों चाय और हमारा पराठा बन चुका है और अब हम लोग